मुरादाबाद में विद्युत विभाग की लापरवाही आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। हालात ये हैं कि बिजली के पोल हादसों को दावत दे रहे हैं। मुरादाबाद शहर के जामा मस्जिद ताजपुर रोड स्थित बिजली के पोल सड़कों को छूने के लिए तैयार है। किसी भी दिन इस रोड से गुजरने वाले राहगीरों को इन पोलों का शिकार होना पड़ सकता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि काफी समय से बिजली के पोल गिरने की कगार पर हैं। तेज आंधी के चलते पिछले दिनों बिजली के पोल गिरने की कगार पर हो चुके हैं। यहां से गुजरने वाले सभी राहगीरों के दिलों में डर बैठा रहता है। कई बार इस समस्या के बारे में बिजली विभाग के आला अधिकारी और स्थानीय अधिकारियों को बताया गया, मगर अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। शायद बिजली विभाग को एक बड़े हादसे का इंतजार है। ये पिछले 12-13 दिन पहले जो आंधी आई थी रात में, तो जब ये खम्भे सभी आड़े हो गए थे ये इधर के, और ये अल्लाह का करम रहा कि इस खम्भे को आड़ा हुआ लेकिन गिरा नहीं। अगर गिर जाता तो उस दिन बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता था। ये अल्लाह के करम की बात है कि उस दिन कोई हादसा ना हुआ। लेकिन अभी तक 10-15 दिन हो गए इसे, लेकिन अभी तक इसकी तरफ को किसी ने देखा नहीं है। शायद हो सकता है कि अब इंतज़ार करा जा रहा हो कि कोई बड़ा हादसा हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करता हूँ कि मेहरबानी होगी कि आप इसको सीधा करवा दीजिए, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। कितने खम्भे ये गिरे पड़े? लगभग मेरे ख्याल से 5 से 7 खम्भे जो है वो बिल्कुल आड़े हो चुके हैं, बिल्कुल झुक चुके हैं, जो किसी वक्त भी, मतलब इस हालत में है कि किसी वक्त भी अगर तेज हवा चल जाए तो ये गिर जाएगा। किस चीज से रुके हुए हैं अभी? ये तो अब तारों की वजह से रुके हुए हैं, और बस ये तो सर अल्लाह ने रोक रखा, नहीं तो ऐसा है कि जैसे कोई छू भी ले तो गिर जाएगा।